सैफ अली खान का आज जन्मदिन है। वे भोपाल की नवाबी रियासत के इकलौते वारिस भी हैं। उनकी बड़ी दादी और भोपाल की शासक रही शाहजहां बेगम को पान खाने का बेहद शौक था। उनके इस शौक को पूरा करने के लिए भोपाल में एक पूरा बाजार बसाया गया। इसका नाम रखा गया चौक बाजार। अब इस 300 साल पुराने बाजार को हेरिटेज लोग देने की कोशिश हो रही है। 300 साल पहले बसे इस बाजार की आज भी खास पहचान है। भोपाल की 11वीं शासक शाहजहां बेगम ने अपने पान खाने के शौक की वजह से बसाया था। पुराने भोपाल की तंग गलियों में उस दौरान एक छोटा सा चौक था। इसके आसपास हवेलियां थीं। यहीं पर पहले जौहरियों और सुनारों ने अपनी दुकानें शुरू की। 11वीं शासक नवाब शाहजहां बेगम ने एम्ब्रॉयडरी करने वालों और गुटखा पान बनाने वालों को जामा मस्जिद के पास ही दुकानें खुलवा दी। यहीं से भोपाली बटुए और सोने चांदी की झरी जरदोजी से तैयार अन्य सामान बनाने की शुरुआत हुई। सैफ की बड़ी दादी को पान खाने का इतना शौक था कि उनके लिए स्पेशल बघी से शाम को पान लेने महल से सैनिक जाते थे। बेगम के लिए एक नहीं कई तरह के पान हर दिन महल ले जाए जाते थे। खास तौर से पान की सुरक्षा के लिए बेगम के खास विश्वास पात्र बघी के अंदर बैठे रहते थे। सामान बनाने की शुरुआत हुई। सैफ की बड़ी दादी को पान खाने का इतना शौक था कि उनके लिए स्पेशल बघी से शाम को पान लेने महल से सैनिक जाते थे। बेगम के लिए एक नहीं कई तरह के पान हर दिन महल ले जाए जाते थे। खास तौर से पान की सुरक्षा के लिए बेगम के खास विश्वास पात्र बघी के अंदर बैठे रहते थे। सुरक्षा के लिए बेगम के खास विश्वास पात्र बघी के अंदर बैठे रहते थे।